लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई और इसके बाद से पूरे देश में हंगामा है कि आखिरकार कैसे नमाज पढ़ ली, क्यों नमाज पढ़ ली, ये मस्जिद है या मॉल है, ये तमाम सवाल उठे। लेकिन एक ऐसा खुलासा हुआ है, एक ऐसा खुलासा हुआ है, इस खुलासे के बाद से टीवी के अंदर कोहराम मच जाना चाहिए था, लेकिन ये खबर शायद अभी तक आपने नहीं देखी होगी, टीवी में शायद इस खबर को अभी तक नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और एक खुलासा साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि ये नमाज साजिशन पढ़वाई गई। क्या नमाज पढ़ने वाले वो हिंदू थे? एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है। क्या नमाज पढ़ने वाले गैर मुस्लिम थे? ये सवाल खड़ा हो गया है और ये किसी और ने नहीं कहा है, ये सीसीटीवी के आधार पर ये बातें कही जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और खुद पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है। एक एक करके मैं आपके सामने चीजें रखता हूं, इत्मीनान से आप सुनिए, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि आखिरकार देश के अंदर चल क्या रहा है, ये कुछ भी हो जा रहा है। मैं आपके सामने खबर रखता हूं, ये देखिए सत्य हिंदी ने लिखा है, लुलु मॉल में लखनऊ में नमाज बड़ी साजिश थी, पुलिस को अब शरारती तत्वों की तलाश। तो यह सत्य हिंदी ने लिखा है। सत्य हिंदी ने क्या लिखा नीचे आप देखिए, इसी में लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की घटना साजिश साबित हुई, लखनऊ पुलिस अब उन शरारती तत्वों की तलाश कर रही है जो मॉल में सिर्फ नमाज पढ़ने आए थे, सिर्फ नमाज पढ़ने आए थे। शब्दों पर गौर कीजिए, आंख खुली रख करके, कानों को खुली रख करके इस खबर को बड़ा ध्यान से सुनिए आप, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए आए थे। 18 सेकंड है यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, 18 सेकंड में नमाज पढ़ने के बाद गायब हो गए। वे कौन लोग थे जिन्होंने गैर इस्लामिक ढंग से नमाज पढ़ी और गायब हो गए? 18 सेकंड के अंदर क्या नमाज पढ़ी जाती है? और जिस तरीके से उन्होंने नमाज पढ़ी है वो गैर इस्लामिक तरीका था। तो एक मुसलमान, जो एक मुसलमान सच्चा मुसलमान होगा, तो क्या 18 सेकंड के अंदर वो नमाज पूरी कर लेगा, पढ़ लेगा क्या? देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अमर उजाला ने भी इसी खबर को कवर किया है और अमर उजाला ने छापा है, लुलु मॉल में साजिशन पड़ी गई थी नमाज, सीसीटीवी ने खोला राज। तो कैसे साजिश हुई, एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए आप सत्य हिंदी की तरफ से छापा गया है, सीसीटीवी फुटेज में अब इस संदेह की पुष्टि कर रहे हैं कि यह मॉल को बदनाम करने और दो समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करने, नफरत पैदा करने के लिए एक जानबूझकर के रची गई साजिश थी। इस बात का खुलासा, इस बात की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही है, सत्य हिंदी इस बात को छाप रहा है। दूसरा देखिए आप, वीडियो फुटेज से पता चलता है कि वे लोग आनन फानन में नमाज पढ़ने और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में मॉल से निकल गए। उन्होंने मॉल में रुकने और कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर लोग मॉल में जाने पर दुकानों में जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, किसी न किसी तरह की गतिविधियां करते हैं। नमाज पढ़ने वाले मॉल में एक साथ घुसते हैं और चंद सेकंड नमाज पढ़ने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं। यह तथ्य अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि जो मॉल में सिर्फ नमाज पढ़ने के इरादे से घुसा हो उसका मकसद क्या था। सुनिए आपने, एक एक शब्द जो है वो पूरी की पूरी साजिश को बयां कर रहा है। कुछ लोग मॉल में घुसते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, सीधा जाते हैं, सीधा जाकर के चंद सेकंड के अंदर, 18 सेकंड के अंदर नमाज पढ़ करके फुर से निकल जाते हैं। एक एक करके मैं आपके सामने खबरें रख रहा हूं। देखिए आप इसमें पुलिस क्या कह रही है, पुलिस का जो पक्ष है वो सामने आया है, मैं आपको दिखाता हूं। पुलिस के अधिकारी के साथ में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दक्षिण राजेश कुमार श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है, देखिए शब्दों को देखिए आप, स्वीकार किया है कि फुटेज से यह साबित हो गया है कि मॉल में नमाज पढ़ने वाले उन पुरुषों को कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि नमाज कैसे अदा की जाती है। पुलिस अधिकारी ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अतिरिक्त पुलिस, यहां पर देखिए आप, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि फुटेज के आधार पर हमने ये पाया है कि जिन लोगों ने वहां पर नमाज अदा की थी उनको नहीं पता था कि नमाज कैसे अदा की जाती है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है। तो सरासर जो है ये दिख रहा है कि या तो वो साजिशन घुसे थे, वो गैर मुस्लिम थे, या फिर जो है वो
हिंदू युवक थे या ना जाने कौन थे, लेकिन ये जो है पुलिस की थ्योरी में अभी तक सामने आ रहा है कि वो ऐसे लोग थे, ऐसे शख्स थे जिनकी मनसा ठीक नहीं थी, वो गलत मनसा से घुसे थे। ये चीजें निकल करके सामने आ रही है। अब मैं आपको एक एक चीजें का एक एक करके जो है आगे आपको बताता हूं। महज 18 सेकंड में पूरी कर ली नमाज। अब आप बताइए 18 सेकंड में नमाज पूरी होती है क्या? एक वक्त की नमाज पढ़ने में कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन इन नमाज पढ़ने वाले युवकों ने महज 18 सेकंड में ही नमाज पूरी कर ली, जिसका वीडियो भी बनाया। वही नमाज पढ़ने वाले युवकों ने सही दिशा का भी ख्याल नहीं रखा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए आप। महज 18 सेकंड के अंदर नमाज पूरी कर ली, वीडियो बनाया, नमाज पढ़ने वाले युवकों ने सही दिशा का ख्याल नहीं रखा। मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज हमेशा काबा की तरफ रुक करके पढ़ी जाती है और जो दक्षिण पश्चिम की तरफ है, वहीं इन युवकों का रुख पूरी तरह से पश्चिम की तरफ था। वहीं नमाज पढ़ने के समय पर सभी का चेहरा एक तरफ होना चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ने वाले युवकों का चेहरा दूसरी तरफ है तो बाकी अन्य का चेहरा दूसरी तरफ है। दो फोटो आपके सामने है। एक पहला फोटो आप देखिए। पहले फोटो में एक व्यक्ति आपको नमाज पढ़ने की मुद्रा के अंदर वो आपको दिख रहा है, उसका चेहरा कहीं और है, किसी दूसरी दिशा में है। इन बाकी लड़कों का जो चेहरा है वो दूसरी दिशा में है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हरगिज नहीं होता ऐसा, जितना मेरी जानकारी है। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग इस्लाम को ज्यादा जानते होंगे, मैं थोड़ा कम जानता हूं। तो मेरी जानकारी के अनुसार यही है कि एक इमाम जो है वो आगे बैठता है नमाज पढ़ाने के लिए, वो आगे बैठता है और बाकी पीछे जो है नमाजी उसके पीछे बैठते, सबका मुंह जो है वो एक तरफ होता है, लेकिन यहां पर सबके चेहरे अलग अलग थे। तो आखिरकार ये क्यों था? आगे देखिए आप। अब जो बात कही जा रही है कि वहां पर जो है वो ये लुल्लू मॉल जो है वो मुसलमानों का है, इसलिए वहां पर मुसलमानों को नमाज पढ़वाई गई, इस बात को आप देखिए। दो जगह पर सुरक्षाकर्मियों ने रोका था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखा है कि दाखिल होने के साथ ही ये सभी नमाज पढ़ने के लिए बैठने की कोशिश करने लगे। इसी पर भूतल पर तैनात, यानी ग्राउंड फ्लोर पर तैनात, पहले घुसते हैं और घुसते ही जो है इनकी मनसा ये होती है कि कहीं पर कोना पकड़ा जाए और वहां पर नमाज पढ़ी जाए। ये भूतल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने इनको रोक लिया, फिर पहली मंजिल पर गए और वहां पर भीड़ थी और सुरक्षाकर्मियों ने वहां पर भी इनको रोक दिया। इसके बाद में दूसरी मंजिल पर गए और जहां पर कुछ खाली जगह दिखी, इसी बीच युवकों ने नमाज पढ़नी शुरू की। 8 मॉल में गए थे और दो युवक वीडियो बना रहे थे, वहीं अन्य युवक नमाज पढ़ रहे थे। तो यहां पर सीधे तौर पर साफ तौर पर जो है वो चीजें साफ साफ नजर आ रही है, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है कि ये लोग घुसते हैं, सुरक्षा गार्ड जो है, जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, उनको रोकते हैं, लेकिन ये नहीं रुकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुकते हैं, पहली मंजिल पर नहीं रुकते हैं, ये दूसरी मंजिल पर जहां पर कम भीड़ थी, क्योंकि नया नया मॉल खुला था, 2 दिन हुए थे मॉल खुले हुए, वहां पर कोने में जाकर के 18 सेकंड की नमाज पढ़ी, वीडियो बनाया और रफू चक्कर हो गए। अब पुलिस क्या कर रही है? देखिए आप, पुलिस कह रही है कि आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ADCP दक्षिण राजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक लुलू मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं और जिनमें एक साथ नमाज पढ़ने वाले युवकों के आने जाने का समय भी दिख रहा है। वहीं उनके द्वारा नमाज पढ़ने की कोशिश भी की गई है। इन युवकों ने नमाज पढ़ी, इससे साफ है कि सिर्फ साजिश के तहत ये लुलू मॉल में नमाज पढ़ने आए थे, जिसकी पूरी योजना की थी माहौल खराब किया जाए। ADCP दक्षिण के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे के में दिखे आरोपियों को चिन्हित करने के लिए टीमें लगाई गई है, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार की योजनाओं को असफल बनाने की, आरोपियों की साजिश को सफल नहीं होना दिया जाएगा, यह योगी आदित्यनाथ की पुलिस कह रही है, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। पुलिस कह रही है कि हमने देख लिया किस टाइम पर उनकी एंट्री हुई, किस टाइम पर वो निकले हैं, कितनी देर तक उन्होंने नमाज पढ़ी, सब देख लिया। अब जरा सुनिए जरा ध्यान से, आप बताइए योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार चल रही है। योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन करने के लिए आते हैं, मोदी जी कहते हैं कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ के राज में बड़ी चंगी है, तो फिर ये क्या हो रहा है? किस तरह से यहां पर जो है वो एक साजिश के तहत लड़के घुसते हैं, नमाज करके वहां पर चले जाते हैं। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, टीवी के अंदर अगर दूसरे एंगल से खबर आई होती तो तहलका मच जाता, लेकिन अब सन्नाटा है। इसलिए आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, एक एक व्यक्ति के फोन में इस खबर को पहुंचा दीजिए, ताकि जो पूरी घटना हुई है उसका पर्दाफाश हो सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।